जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो शिव पूजा से संबंधित है, शिवलिंग की पूजा से संबंधित है। सावन के या बात करें सोमवार तो सभी कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन कुछ नियम होते हैं जो हमको अपनाने चाहिए। आप सभी पंचाभिषेक से शिवलिंग को स्नान कराते हैं, तो उसमें एक चीज का आप ये ध्यान रखिएगा, क्रम से आपको पंचाभिषेक कराना है। शक्कर जो है उसको आप जल में मिला सकते हैं, शक्कर जो है आप उसको दुग्ध में मिला सकते हैं, दही में मिला सकते हैं, घी का आपको अभिषेक करना है। यहाँ पे जो कमी आती है वो ये कि आप सिर्फ सामग्री से संतुष्ट करते हैं भगवान को, मन को शांत रख के आसन बिछाकर तब आप शुरू कीजिए। एक बार चित्त को शांत होने दीजिए, विचारों को शांत होने दीजिए, फिर आप शिव की पूजा कीजिए। तो पंचाभिषेक यदि आप करते हैं तो पंचाभिषेक का मतलब आपकी मन स्थिति से कि हाँ आप पंचाभिषेक कर रहे हैं। पहले सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को भी आपको पंचाभिषेक से स्नान कराना चाहिए, घी है उसके बाद दूध में शक्कर मिला लीजिए, उससे स्नान कराइए, फिर शहद, दही और जल, लास्ट में जल से आपको स्नान कराना है, साफ कर देना है। उनके वस्त्रों के ऊपर नहीं, यदि उनको वस्त्र पहना रखा है, उनका श्रृंगार कर रखा है तो वस्त्रों को साइड में रख दीजिए आप, फिर आप श्रृंगार कीजिए, पंचाभिषेक कीजिए, जल से अवश्य कीजिए। दूसरा, फिर आपको माता जी को करना है, कार्तिकेय भगवान को भी ऐसे ही करना है, नंदी जी को, वासुकी जी को हल्का हल्का लगाना है, एक एक चम्मच खाली। फिर आपको भगवान भोलेनाथ को करना है। यहां आपको ये ध्यान देना है कि आपको नमः शिवाय मंत्र जाप करना है, इसकी जो माला है वो टूटनी नहीं चाहिए। भले ही आप मन में कर रहे हो, भले ही आप बोल के भी कर रहे हो, तो भी माला नहीं टूटनी चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये आपको अनवरत जाप करना है जब तक आप वहां शिव मंदिर में हैं। फिर आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात ये, जब आप पंचाभिषेक कर चुके होते हैं तो वहां जो गंदगी हो गई उसको साफ करना जरूरी है। हम क्या करते हैं, हमने पंचाभिषेक कर दिया और गंदगी फैला के चले गए, भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। आप खुद ही देखिए, यदि हम अपने सिर पर ऐसे ही पंचाभिषेक गंदगी को रखकर अगर हम बाहर घूमने जाएं तो लोग क्या कहेंगे, कब तक सहन कर पाएंगे, खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए साफ सफाई पहले है, क्योंकि वो भगवान जो हैं वो हमने अपनी तपस्या से, अपने श्रद्धा से उस पत्थर के अंदर हमने भगवान को स्थापित किया है, और जब भगवान स्थापित हो गए हैं तो वहाँ पे भी उनका रहना सब कुछ हो गया है, तो फिर आपको फल नहीं मिलेगा। इससे आपके जो शनि और राहु हैं वो अगर आपके सप्तमेश हैं, अष्टमेश हैं, द्वादशेश हैं, खष्टेश हैं, पीड़ा देंगे। आपने अपने गुरु को, केतु को कमजोर कर दिया, खराब कर दिया। तो सफाई पहले है, सफाई अवश्य रखेगा, जल से आराम से उसको धो दीजिएगा आपकी सेवा के बाद।
कई सिर्फ बिलु पत्र नहीं चढ़ाते हुए सिर्फ जल चढ़ाते हैं, और जल लिया उंडेल दिया, जल लिया उंडेल दिया, कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसे जंगल में रोना निरर्थक होता है, उसी प्रकार आप कितनी भी जल चढ़ा दीजिए, कितनी भी आप पूजा कर दीजिए, कोई फायदा नहीं मिलेगा। फायदा लेने के लिए आपको नियम अपनाने पड़ेंगे, श्रद्धा रखनी पड़ेगी, मन में शांति रखनी पड़ेगी। तो कोई भी यदि गंदगी फैला रहा है या फैला देता है वहाँ पे, जैसे शिवलिंग के ऊपर या वहाँ पर जो फूल चढ़े हुए होते हैं, बेलपत्र है, आंकड़े की बेल है, धतूरे हैं, कुछ भी सामग्री जो है उसको गीली होने से बचाइए। यदि कोई प्रसाद भी चढ़ाता है तो शिवलिंग के पास ना रखें, गीला हो जाता है, खराब हो जाता है। आप उसको साइड में रख दीजिए, पेड़ की जड़ में रख दीजिए, कोई जानवर खा लेगा, चींटी आती, इससे आपका पितृदोष भी शांत होगा, इससे आपके मंगल राहु क्रूर ग्रह हैं वो अच्छा फल देने लगेंगे। लेकिन अगर आप प्रसाद को भी वहीं गीला छोड़ देते हैं, गंदगी फैला देते हैं, तो कोई फल अच्छा आपको नहीं मिलेगा। फिर आप ऐसे कहेंगे कि हमने इतनी पूजा की थी, हम ऐसे पूजा कर रहे हैं, कोई फ़ायदा तो मिल ही नहीं रहा। मिलेगा कैसे? नियम से कीजिएगा, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप भी स्वच्छता अपनाइए, और जो करता है गंदगी उसको भी बताइए, उसको भी समझिए, फिर देखिए आपके क्या परिवर्तन आता है। मंदिर की सफाई अवश्य कीजिएगा, अगर आपको अच्छा, अगर समय मिलता है तो, अवसर मिलता है तो, सबसे बड़ा पुण्य है मंदिर की सफाई। मंदिर भी एक घर की तरह ही होता है, अवश्य कीजिएगा, फायदा मिलेगा। आज हरियाली अमावस है, सोमवती अमावस है, आपको रात्रि 11 बजे तक है, उससे पहले, सूर्यास्त होने से पहले पहले आपको गौ माता को काले तिल, हरा चारा, गुड़, रोटी, जो भी है आपके पास अवश्य खिलाइएगा। काफ़ी मजबूती आपके लगन को मिलेगी, आपके परिवार में खुशहाली आएगी, ज्ञान का प्रसार होगा, और अमावस है तो कोए, जो कौवे हैं, इनको आप, अगर आपके छत पे नहीं आते हैं तो जहाँ पे भी ये आते हों, स्थान हो वहाँ पे आपको इनके लिए मीठी रोटी जो है वो, जानवरों के लिए सप्त अनाज, सात तरीके का जो अनाज है वो अवश्य दान करना चाहिए। आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस चीज़ का, तो ज़रूर करिएगा। एक जो है, यदि आप शिव की पूजा करते हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो उसके नाम की एक माला आपको अवश्य जपनी चाहिए, कम से कम एक माला आपको अवश्य जपनी चाहिए वहां पर आसन बिछाकर। इतना कीजिए, अद्भुत दिव्य लाभ आपको मिलेगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस ये सावधानी आप रखिएगा। शिवलिंग के ऊपर तुलसा जी, शिव मंदिर में शंख नहीं रखना चाहिए, शुभ नहीं होता, सही नहीं होता। लाल चंदन का भी यूज कीजिएगा भगवान शिव के ऊपर। बेलूपत्र के पत्तों पर क्लीम लिखकर यदि आप चढ़ाते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अवश्य कीजिएगा शेयर वीडियो को, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़िए फेसबुक व्हाट्सएप पर, ताकि जो सही ज्ञान है वो मिल सके। इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं, बस आपसे इतनी ही विनती है। फिर मिलेंगे, जय श्री कृष्णा, श्री राधे।